दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा। मारुति की तरफ से ये लेटेस्ट ऑफरिंग होने जा रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की। यहाँ ये कम्पीट करने आ रही है टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी ब्रेजा के हर एक वेरिएंट के बारे में, जहाँ इसका बेस वेरिएंट जो कि इसका LXi वेरिएंट है वो प्राइस किया गया है 7.99 लाख रुपीज़ में। काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये लग रहा है। हर एक नेसेसरी फीचर आपको उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे ऊपर आपको VXi भी ऑफर किया गया है। उसमें आपको और ज़्यादा ज़रूरत के फीचर दिए गए हैं, साथ ही ZXi वेरिएंट, उससे ऊपर ZXi प्लस, यानी कि टोटल 4 वेरिएंट के साथ आपको नई ब्रेजा इंडिया में दी गई है। हर एक वेरिएंट को समझेंगे, हर एक वेरिएंट की प्राइसिंग जानेंगे, किस प्राइसिंग में कौन सा वेरिएंट है, कौन सा ट्रांसमिशन मिलेगा। इंजन ऑप्शन तो आपको इसमें 1.5 लीटर का K15C सीरीज का ही पेट्रोल इंजन दिया गया है, लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल नया है। गाड़ी का डिज़ाइन वो बिल्कुल नया है। गाड़ी में आपको अब बहुत सारे नए फीचर मिलते हैं। जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा, जो मच अवेटेड फीचर था, वो था इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ का आना। साथ ही आपको उसमें बलिनो की तरह 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है, हेडअप डिस्प्ले ऑफर किया गया है। गाड़ी की क्वालिटी अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी आपको फील होगी। बहुत शानदार काम करा है यहाँ पर मारुति ने। जो इसका कट्स क्रीजेस देखेंगे बहुत अल्टीमेट, जो आप इसमें स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग देख रहे हैं ये भी नई इसमें आई हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी वही है जो कि आप अर्टिगा और XL6 के अंदर देख चुके हैं। चलिए बात करते हैं हर एक डिज़ाइन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर आता है इसके बेस मॉडल का, जो कि इसका LXi वेरिएंट है, और एक नज़र में 7,99,000 रुपये की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि लोगों को इसकी ओर आकर्षित कर रही है। लोगों को लग रहा है कि क्या जो मिल रहा है 8 लाख की एक शोरूम वाली गाड़ी में। तो देखिए, ये ब्रेजा का बेस मॉडल है, तो इसमें सबसे पहले मारुति ने ध्यान दिया है इसकी सेफ्टी में। इसमें अब आपको बेस मॉडल से ही ESP का फंक्शन मिलता है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। यही चीज आपको टाटा भी देती है, इवन अब मारुति भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। साथ ही देखिए, आपको उसमें हिल होल्ड असिस्ट का फंक्शन मिल रहा है। सेफ्टी फ्रंट में ही आपको डुअल फ्रंटल एयरबैग्स, पीछे आपको पार्किंग सेंसर, उसी के साथ जो अंदर IRVM मिलेगा वो आपको मैनुअली एडजस्टिंग फंक्शन देता है। साथ ही आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है, जो कि ब्रेजा की सबसे बड़ी USP रहती है। उसी के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको बाहर के जो विंग मिरर है वो आप कर सकते हैं। फोल्डिंग का फंक्शन नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही जो ड्राइवर साइड की विंडो है उसको आप ऑटो अप और डाउन कर सकते हैं। ऐसा कौन सा बेस मॉडल है जिसमें इतने बढ़िया फीचर मिलते हैं। साथ ही आपको रियर AC वेंट ऑफर किए गए हैं, कीलेस एंट्री का फंक्शन मिलता है, टिल्ट स्टेयरिंग मिलता है, बहुत बढ़िया चीज़। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। जो इसमें स्टील रिम आप देखेंगे LXi वेरिएंट में, वो थोड़े से अलग डिज़ाइन में है, उसकी वीडियो आने वाली है, लेकिन ये जो ZXi प्लस वाले हैं उनकी तो बात ही अलग है। साथ ही स्टील रिम व्हील्स मिलेंगे आपको LXi वेरिएंट में। जो फ्रंट में आपने इसमें LED हेडलैम्प्स देखे हैं, जो कि आपको ZXi प्लस ऑफर कर रही है। अगर आप LXi लेते हैं तो उसमें आपको हैलोजन प्रोजेक्टर सेटअप दिया जाएगा, जैसे कि आपने टाटा नेक्सॉन में देखा हुआ है। उसी के साथ जो आप पीछे स्पॉयलर देख रहे थे वो भी आपको ऑफर किया जाएगा। शार्कफिन एंटीना बेस मॉडल से दिया गया है, और गाड़ी के जो इंटीरियर होंगे वो आपको ऑल ब्लैक लेआउट में मिलेंगे, जिससे थोड़ी सी गाड़ी स्पोर्टी लगेगी। उसी के साथ आप देखते रहिए जो ZXi प्लस वेरिएंट है कितना शानदार लग रहा है। जो आपको उसमें डुअल सी शेप्ड डियाल्स दिए गए हैं, जो बीच में भी एक नया सा एलिमेंट लाए गए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले क्रोम आता था वो भी बहुत शानदार था, लेकिन ये जो थोड़ा ग्रे एलिमेंट है ये भी बढ़िया लग रहा है। अब क्योंकि ब्रेजा का जो LXi वेरिएंट है ये इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है, तो इसकी प्राइस रखी गई है 7.99 लाख रुपीज़। 8 लाख रुपये में 1,000 रुपये काम आपको कॉस्ट करेगा। इसमें अगर आप इंजन ऑप्शंस की बात करेंगे, तो जो आपको ब्रेजा में इंजन ऑप्शन नया इंजन आया हुआ है, K15C सीरीज का पेट्रोल इंजन है, जिसमें आपको डुअल VVT की टेक्नोलॉजी दी गई है। साथ ही ये 4 सिलेंडर का इंजन है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रिफाइन माना जाता है। साथ ही जो एक तरीके से इसके NVS लेवल है, इसका रिफाइनमेंट है, और जो लो एंड टॉक है इसका वो काफ़ी बढ़िया दिया जाता है। उसी के साथ ये आपको 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दिया जाएगा, अगर आप केवल बेस मॉडल लेते हैं। लेकिन जो इसका टॉप एंड मॉडल लेगा उसमें आपको नया एक टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा, जो कि 6 स्पीड का रहने वाला है, जो कि इससे पहले आपने अर्टिगा और XL6 के अंदर पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया है, वो आपको इसके अपर वेरिएंट में मिलेगा। लेकिन वो मैनुअल के मुकाबले 1.5 लाख रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है, जो कि अपने में एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही आ रही है, और जो पहले 4 स्पीड का ऑटोमेटिक था उससे बढ़िया ही परफॉर्म कर रहा है। ये जो आप सारे इंटीरियर का लेआउट देख रहे हैं ये ZXi प्लस वेरिएंट का है। अगर आप LXi की वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट करिए, वीडियो आने वाली है। बहुत शानदार जो पूरा लेआउट है
बहुत अल्टीमेट है, लेकिन अगर आप LXi लेते हैं तो उसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेंगे कि अपनी प्राइस वैल्यू को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, और जिस हिसाब के फीचर मारुति आपको ब्रेजा बेस मॉडल में दे रही है वो कंपटीशन नहीं देता है, जो कि मारुति की तरफ से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा मूव है। अब आइए बात करते हैं इनके VXi वेरियंट की ओर, जो कि एक तरीके से फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है कस्टमर्स के बीच में, क्योंकि इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलने लग जाते हैं। मैनुअल तो बेस मॉडल में भी मिलता है, लेकिन अब आपको इसमें जो नया 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है वो भी मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसकी थोड़ी सी अलग बात यह है कि ये मैनुअल के मुकाबले 1.5 लाख रुपए ज्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है, तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो जरूर आप इनका ऑटोमेटिक लीजिए। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा एक रिलायबिलिटी फ्रंट में भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी देता है, ज्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। अब जो ये आपकी फॉब देख रही है इसके टॉप एंड मॉडल की है, लेकिन लोअर मॉडल्स में भी आपको ये मिलने लग जाती है तो दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप VXi वेरिएंट लेंगे तो इसमें मैनुअल की जो प्राइसिंग रहेगी, जिसमें आपको K15C सीरीज का पेट्रोल इंजन मिलेगा 103 हॉर्स पावर और 136 Nm के टॉर्क के साथ, ये कॉस्ट करेगा 9.46 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो 1.5 लाख रुपये ज़्यादा 10.96 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। अब अगर आप VXi को देखेंगे तो ये LXi से ज़्यादा आपको क्या दे रहा है, इसमें आपको रियर डिफॉगर मिलने लग जाता है, साथ ही आपको इसमें 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलने लग जाती है, जो कि मेरे नज़र में काफ़ी सफिशियंट है। मारुति इसको कहती है स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि नेसेसरी सारे फंक्शन आपको देता है, उसी के साथ आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का भी फंक्शन देता है, और स्टेयरिंग में जो आप देख रहे हैं ना माउंटेड कंट्रोल्स, ये आपको VXi से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी के साथ USB और ब्लूटूथ का सिस्टम भी मिलेगा, स्पीकर सिस्टम भी आपको टोटल 4 का मिलने वाला है। ड्राइवर साइड जो आपने सीट देखी है इसमें भी आपको हाइट एडजस्टिंग फंक्शन मिलने लग जाता है, उसी के साथ जो रियर सीट है उसमें जो हेडरेस्ट है वो भी आपको VXi वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एडजस्टेबल होने लग जाएगा। उसी के साथ जो आपने बाहर के विंग मिरर देखे थे, ORVMs देखे थे, उनमें भी आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग करने का फंक्शन मिल जाएगा, जो कि मेरे नज़र में सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक है और थोड़ा प्रीमियम फीचर भी रहता है। तो इसीलिए जो इसका VXi वेरिएंट है ब्रेजा का, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी साबित हो रहा है। काफ़ी लोगों का मेरा एक तरीके से फीडबैक आया हुआ है कि जो 9.46 लाख रुपीस में मैनुअल मिल रहा है बहुत सही डील है, और जो 10.96 लाख रुपीस में ऑटोमेटिक है वो भी ठीक डील है। थोड़ा सा ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव है, लेकिन ऐसा है कि उसकी रिलायबिलिटी भी है, उसकी क्वालिटी भी है, तो आपको उसके लिए पे जरूर करना होगा। अब आइए देखते हैं जो इनका सेकंड टॉप मॉडल है, जिसका नाम है ZXi वेरिएंट, जो कि एक नज़र में 10 लाख से ऊपर जा रहा है और करीब 11 लाख के आसपास जाने वाला है। इसमें भी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल रहे हैं, मैनुअल लेंगे तो कॉस्ट करेगा 10.86 लाख रुपीज़ और ऑटोमेटिक लेंगे तो फिर से 1.5 लाख रुपये ज़्यादा कॉस्टली 12.36 लाख रुपीज़ में ये ऑफरिंग रखी गई है। इसमें आपको VXi से एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, अब जैसे VXi में आपको केवल रियर डिफॉगर मिलता था, अगर आप ZXi लेंगे तो इसमें आपको रियर में वाइपर भी मिलने लग जाएगा, वॉशर भी मिलने लग जाएगा। अब जो आप देखेंगे ना, आपने जो 7 इंच की स्क्रीन देखी थी, अब आपको यहाँ पर स्मार्ट प्ले प्रो इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेडेड है। इससे पहले वैगनार और इन सीरीज़ में देखने को मिला था, लेकिन अब वो काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन मतलब शुरुआत वहीं से हुई थी। अच्छा मूव है, काफ़ी मतलब सेटिस्फाई रहते लोग इससे। आत्मीयस का साउंड सिस्टम एक तरीके से आपको मिलने लग जाएगा, पहले जो 4 स्पीकर का मिलता VXi में वो थोड़ा अननोन है, यहाँ पर आपको आत्मीयस के द्वारा ट्यून किया हुआ मिलेगा, जैसे टाटा हार्मन का देती है, तो क्वालिटी अच्छी इंप्रूव होगी। ओवर द एयर अपडेट आ सकते हैं इसके सिस्टम में, उसी के साथ आपको इसमें वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा गाड़ी के जो फंक्शन है उसे यूज़ कर पाना। 2 एडिशनल आपको ट्विटर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, 4+2 6 का सिस्टम हो गया यहाँ पर। जो बीच में आप MIT देख रहे थे उसमें आपको TFT कलर डिस्प्ले भी मिलेगी, और जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग फीचर है वो भी आपको ZXi से मिलने स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ जो क्रूज कंट्रोल है, जिसको हाईवे में गाड़ी चलानी है उसके लिए भी बहुत बड़ी ऑप्शन है, और सेकंड रो सीट्स में आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन भी आपको ZXi से मिलता है। जो आपने अभी स्टेयरिंग में टेलीस्कोपिक और टिल्ट का फंक्शन करते हुए मुझे देखा वो भी आपको ZXi देने लग जाती है। जो फ्रंट में आपने डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखे वो भी आपको ZXi देती है। पुश बटन स्टार्ट विद स्मार्ट की, जो आपने अभी ब्लू कलर की फॉब देखी वो भी आपको दी गई है, और सेंटर में जो आर्मरेस्ट है वो भी मिलेगा विद कप होल्डर्स, जो कि पीछे वाली रो में है, और 16 इंच के अलॉयज मिलेंगे, लेकिन थोड़े से ब्लैक शेड में मिलते हैं। एक मैं कहूँ कि पॉलिश्ड ब्लैक है, ग्लॉसी ब्लैक है, लेकिन जो इसमें आपको डायमंड कट मशीन कट मिलते हैं ZXi प्लस में वो थोड़े ज़्यादा प्रीमियम है, और जो आपने रूफ रेल देखी थी वो भी आपको यहीं दिया जाता है। अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, हेडअप डिस्प्ले और ये सारी चीज़, इनके बारे में बात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब बारी है ZXi प्लस वेरिएंट की, जो कि ब्रेजा का टॉप एंड वेरिएंट है और फीचर से बिल्कुल भरपूर है। इसमें भी आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिलेगा, कोई कंजूसी नहीं है, सब कुछ मिलेगा। मैनुअल लेंगे तो कॉस्ट कर रहा है 12.30 लाख रुपीज़ में, और ऑटोमेटिक लेंगे तो कॉस्ट कर रहा है 13.80 लाख रुपीज़ में, यानी कि बिल्कुल 14 लाख का मार्क क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन उसके नीचे ही है, जिससे एक तरीके से बहुत क्लियरली इंडिकेशन है
कि मारुति जो मिड साइज एसयूवी है, चाहे क्रेटा है, सेल्टोस है, उनका एक सेगमेंट को टच करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आगे जो इनकी गाड़ी आने वाली है जो स्ट्रांगली कम्पीट करेगी सेल्टोस और क्रेटा के लाइनअप में, वहाँ पर ये बहुत ईजीली अपनी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं 18 से 20 लाख की रेंज में भी। अब देखिए आपको ZXi प्लस में क्या एडिशनल मिलता है ZXi के मुकाबले। यहाँ पर आपको सुजुकी कनेक्ट का सपोर्ट मिलेगा, जिससे इसमें आपको थोड़े बहुत कनेक्टेड कार फीचर मिलने लग जाएंगे। जो आपने भी हेड अप डिस्प्ले देखा था वो आपको यहाँ मिलने लग जाता है। अब जो ये पूरे इंजन बे देख रहे हैं ना, या आप बेस मॉडल ले लीजिए, टॉप मॉडल ले लीजिए, बिल्कुल सेम है। ये इनका शानदार K15C सीरीज का पेट्रोल इंजन है, बहुत ही अल्टीमेट परफॉर्मेंस है, इसकी कोई शिकायत नहीं है। थोड़ी सी पावर और टॉर्क फिगर थोड़े कम हुए हैं, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं है। ड्राइवेबिलिटी वाइज लो एंड में बहुत अच्छा इसका टॉर्क रिफाइन हुआ है, मुझे बढ़िया लगा, कोई शिकायत नहीं है। अब देखिए आपको हेड अप डिस्प्ले के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा, जो कि पार्किंग में आपकी मदद करेगा, वो भी आपको ZXi प्लस से ही मिलेगा। जो गाड़ी में आपको 6 एयरबैग वाला सिस्टम चाहिए था, वो भी आपको ZXi प्लस देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यही है कि अगर आप सिर्फ टॉप एंड लेंगे तभी आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। अगर इसके सेकंड टॉप में भी 6 एयरबैग या इवन 4 एयरबैग भी रहते तो मारुति काफ़ी स्ट्रांगली एक तरीके से मार्केटिंग कर सकती थी, लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी के लिए जागरूक कर सकती थी। तो देखते हैं बाद में कुछ अपडेट आए, लेकिन टॉप एंड में भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इन्हें 6 एयरबैग रखे हैं, जो कि ठीक चॉइस है। अगर आप देखिए ना, उसी के साथ जो हाइट एडजस्टेबल आपको फ्रंट सीट बेल्ट मिलती है, वो भी केवल आपको ZXi प्लस में मिलेगी। अब जो नई चीज़ जो इससे पहले हमने बलिनो में देखी थी, इनकी नॉइज़ की स्क्रीन, जिसमें आपको स्मार्ट प्ले प्रो का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, मैं कहूँ प्रो प्लस का सॉफ्टवेयर मिलता है, उसी के साथ जो आत्मेज का साउंड सिस्टम है वो अब सराउंड साउंड सिस्टम हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा आपको 3D इफेक्ट देगा। उसी के साथ जो वायरलेस चार्जिंग है वो आपको मिलता है, उसी के साथ रियर सीट्स में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, USB स्लॉट्स में टाइप सी और टाइप ए दोनों मिलता है। उसके साथ फ्रंट में भी आपको आर्मरेस्ट मिलेगा विद स्टोरेज, जो ZXi है उसमें नहीं मिलता है। आपको जो ग्लव बॉक्स मिलेगा वो भी कूलिंग फंक्शन के साथ दिया जाता है। जो आपको ओवीएम है बाहर वाला, अब उसमें आपको ऑटो फोल्डिंग का फंक्शन मिलेगा, जो कि आप की फॉब से ही कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप अलॉयज की भी बात कर रहे थे, तो जो 16 इंच के डुअल कट अलॉयज है वो आपको मिलेंगे। जो फ्रंट में आपने LED फॉग लैंप्स देखे थे वो भी ZXi प्लस में ही दिए गए हैं। जो ग्लव बॉक्स है उसमें आपको इल्यूमिनेशन, थोड़ा बहुत रोशनी, वो भी ZXi प्लस ही ऑफर करेगी। उसी के साथ जो एम्बिएंट लाइटिंग है, जो थोड़ा प्रीमियम टच है, वो भी आपको ZXi प्लस देने वाली है। जो स्टीयरिंग में आप एक प्रीमियम सा लेदर रैपिंग देख रहे हैं, वो भी ZXi प्लस दे रही है। तो 12.30 लाख रुपीज़ में मैनुअल कॉस्ट कर रहा है ZXi प्लस का, और 13.80 लाख रुपीज़ में कॉस्ट कर रही है इनकी ऑटोमेटिक ट्रिम्स। तो गाइज यहाँ तक हमने बात करी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा की। आपने देखा कि मारुति ने अपनी ऑल न्यू ब्रेजा के हर एक वेरिएंट में कितने शानदार फीचर्स ऑफर करे हैं, चाहे आप इसका बेस मॉडल लीजिए, चाहे आप इसका टॉप मॉडल लीजिए, हर एक वेरिएंट में कुछ खास आपको ऑफर किया गया है। साथ ही आपने ये भी देखा कि इन नए मॉडर्न फीचर्स से आपकी नई ब्रेजा अपने सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड कार्स में शामिल हो चुकी है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप जो कार रिलेटेड आपकी नॉलेज है, क्योंकि नई नई कार्स इंडिया में लॉन्च हो रही है और उनकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने लिए एक परफेक्ट कार परचेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो फीचर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कैसे उनको लेंगे और कैसे आप एक कार बाइंग अपना जो एक डिसीजन है उसको बना पाएंगे। तो अगर आप किसी भी कार रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज को लेना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं Kuku FM पर। Kuku FM इंडिया का नंबर वन ऑडियो बुक समरी प्लेटफॉर्म है, विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग्स, और अभी इनके पास 4000 प्लस ऑडियो शोज है। मैं खुद ही इस ऐप को यूज कर रहा था, तभी मैंने एक बुक सुनी इनकी, जिसका नाम था टेस्ला कार ऑफ द फ्यूचर। टेस्ला का नाम आपने सुना होगा कि किस तरीके के मॉडर्न फीचर्स के साथ आती है, ऑटोनोमस ड्राइविंग को सपोर्ट करती है, चाहे ड्राइवर उसको नहीं भी चलाए फिर भी वो गाड़ी कुछ डिस्टेंस तक खुद चल सकती है, आप ये सब जानते हैं। वही चीज मैंने वहां भी पढ़ी और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी, तो वहां पर मुझे सीखने को मिला कि टेस्ला ने एक ऐसी नई कार बनाई है जो एक तरीके का चलता फिरता रोबोट है। हाँ, ऐसी कार जो खुद चल सकती है और सिंगल चार्ज में सबसे ज्यादा दूरी भी तय करती है, और ऐसी ही गाड़ियों का इंडिया में भी हम सबको इंतजार है। मारुति भी आपको काफी जल्द एक इलेक्ट्रिक कार ऑफर करने वाले हैं, लेकिन अभी उसके लॉन्च को थोड़ा टाइम है, तो तब तक आपके जो नॉलेज लेवल है उसको बढ़ाने के लिए आपको जो Kuku FM है उसको डाउनलोड करना होगा। उनकी जो ऑडियो बुक्स है उनके थ्रू आपको नॉलेज मिलेगी। और Kuku FM की एक और खास बात है कि जो इनकी सारी बुक समरीज है उसको आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, कहीं भी, बहुत ज़्यादा ईजी है। और एक और खास बात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, Kuku FM पर आपको जो ₹399 की ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलती है वो आपको अभी ₹199 में मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ आपको तभी मिलेगी जब आप मेरा जो कूपन कोड है उसको यूज करेंगे, जिसका नाम है PR50। तो आपको एक कूपन कोड डालना होगा, ₹199 में आपका ₹399 वाला ही काम हो जाएगा, जो कि बहुत सही है। ये ऑफर सिर्फ
फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए रहने वाला है, उन्हीं के लिए वैलिड होगा। सो अगर आपको ये सब कुछ अवेल करना है, एक नॉलेज भरी ऐसी ऑडियो बुक्स को सुनना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, आप विजिट कर सकते हैं कुकू एफएम पे। साथ ही मैं एक कमेंट भी पिन कर दूंगा, वहां पर भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको थोड़ा डुअल टोन लेना है तो आपके पास ZXi और ZXi प्लस में डुअल टोन का ऑप्शन मारुति दे रही है, जो कि 16,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा। जैसे भी प्राइसिंग होगी आपको मैंने बताई है, मैनुअल लीजिए ऑटोमेटिक लीजिए दोनों में मिलेगा। तो इसका जिस तरीके से कंपटीशन है ना, अभी स्ट्रांगली तो ये टाटा नेक्सॉन और वेन्यू फेसलिफ्ट से करेगी, लेकिन इनके पास किया सोनेट भी है, रेनो काइगर भी है, महिंद्रा XUV 300, टोयोटा अर्बन क्रूजर, साथ ही निसान मैग्नाइट। लेकिन जो स्ट्रांगेस्ट कंपटीशन है वो है हुंडाई की वेन्यू फेसलिफ्ट। इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कांटे की टिक्कर है, लेकिन अभी जो मारुति है एक हद तक आगे जा रही है। सेफ्टी सेंस में भी जो मारुति है वो ज़्यादा आगे है इन कंपैरिजन टू वेन्यू। साथ ही जो ये नई ब्रेजा का नया अवतार है, एक तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पे बेस है जो कि ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म है। पुरानी ब्रेजा जिस पे बेस थी, ग्लोबल NCAP ने 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है, जो कि ज़्यादा है वेन्यू के मुकाबले। अब तो आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग सिर्फ बेस मॉडल की होती है, जिसमें अभी भी 2 एयरबैग है, लेकिन उसमें आपको ESP दे रहे हैं, हिल असिस्ट दे रहे हैं, जिससे थोड़ी बहुत और ज़्यादा रैंकिंग ये गाड़ी ला सकती है। अब अगर आप मेरे राय मुझसे जानना चाहते हैं, मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं, या फिर किसी भी जानकार की जानना चाहते हैं, तो जो इसका VXi वेरिएंट है किसी भी मिडिल क्लास बायर के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। 7 इंच की स्क्रीन सफिशेंट है, 4 स्पीकर मिल रहे हैं, प्राइसिंग भी ठीक ठाक है। और अगर आपको आज के समय के सारे फीचर्स का आनंद लेना है, चाहे 360 डिग्री कैमरा है, हेडअप डिस्प्ले है, इलेक्ट्रिक सनरूफ है, तो आपके पास है ZXi प्लस, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और अलॉयज का डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके सुझाव जानना चाहता हूँ इस वीडियो के कमेंट्स में। मिलता है इसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।